जहां पर इस वक्त टीम इंडिया मौजूद है। ये तमाम जो खिलाड़ी हैं इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आईटीसी मौर्य होटल में इस वक्त टीम इंडिया की मौजूदगी है। ये केक जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, ये केक कटिंग हो रही है और इसके साथ ही आपको बता दें ये केक चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि यहाँ के सेफ ने एक शानदार केक, एक अलग तरह से केक जो है तैयार किया है टीम इंडिया के लिए, स्वागत के लिए टीम इंडिया के। तो ये आईटीसी मौर्य होटल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें यहाँ के एग्जीक्यूटिव शेफ शिवनीत पहोजा के द्वारा इस केक को बनवाया गया है। उन्होंने कहा कि हमने वर्ल्ड चैंपियन टीम के लिए विशेष तौर पर ब्रेकफास्ट भी तैयार किया है। ये खिलाड़ी काफी समय से टूर पर थे, जीत कर वापस आए हैं, ऐसे में हम इन्हें स्पेशल ब्रेकफास्ट ऑफर करेंगे। फिलहाल तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। सामने सर कटवाना ना, सामने सर सारा केक कटिंग होने वाला है जिसके लिए यहाँ पर तमाम लोगों की मौजूदगी है। और यहाँ पर देखिए तमाम जो शेफ हैं वो भी मौजूद हैं इस वक्त। आपको बता दें इस केक को खास तरह से तैयार किया गया है। ये केक खास अट्रैक्शन पर उस पर लगी T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है जो सबसे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, चर्चा का विषय लोगों के बीच ही बना हुआ है। चूंकि इस ट्रॉफी को आप अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल असली लगेगा, लेकिन ये एक्चुअली में चॉकलेट का बना हुआ है। केक पर खिलाड़ियों की खास तस्वीरें भी लगाई गई हैं, साथ ही इस पर BCCI का लोगो भी लगाया गया है और इस पर लिखा गया है विग विनर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बधाई के रूप में इस केक को प्रस्तुत किया गया है होटल के शेफ के द्वारा। आपको बता दें कि जो आईटीसी मौर्य होटल के एग्जीक्यूटिव शेफ शिवनीत पहोजा हैं उनके द्वारा इस खास केक को स्वागत के तौर पर, बधाई के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर केक कटिंग थोड़ी ही देर में होने वाला है। तो केक कटिंग हो चुकी है। आपको बता दें ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए ये केक कटिंग जब हो रही थी उस वक्त की तस्वीर देखिए, और केक कटिंग के बाद अब केक जो है लोगों के बीच प्रस्तुत किया जा रहा है। जर्सी का जो रंग है इस केक में आप देखेंगे, T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आप देखेंगे इस केक में। और ये केक कटिंग की तस्वीर, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और रोहित शर्मा के नाम को लगातार यहां पर पुकारा जा रहा है। इसके साथ ही तमाम क्रिकेटर जो हैं उनके फैंस इस वक्त मौजूद हैं। तो ये केक कटिंग कर दी गई है और अब केक लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है। देखने में तो केक काफी शानदार, काफी अच्छा है जो चर्चा का विषय बना हुआ है, और वहां के लोग अब इस केक के टेस्ट का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर आईटीसी मौर्य होटल तक लगातार टीम इंडिया के फैंस जुटे हुए हैं। और आपको बता दें जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं खिलाड़ियों की झलक के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर आईटीसी मौर्य होटल तक भव्य स्वागत की तैयारियां की गई थी खिलाड़ियों के लिए। और अब धीरे धीरे 11 बजने का वक्त हो चला है और 11 बजे टीम इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी। अभी 10:18 हो रहे हैं, ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात होगी जहां पर ब्रेकफास्ट किया जाएगा। तो पीएम मोदी के साथ क्रिकेटर आपको बता दें कि मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, इस दौरान ब्रेकफास्ट पीएम मोदी के साथ करेंगे। रोहित शर्मा ने केक कटिंग की है क्योंकि कप्तान रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, और T20 वर्ल्ड कप का जो खिताब टीम इंडिया जो है शानदार जीत को दोहराई है। 17 साल बाद ये ट्रॉफी भारत के नाम हुआ है दूसरी बार। तो कोच आपको बता दें कि द्रविड़ की भी मौजूदगी वहां पर रही, इसके साथ ही रोहित शर्मा ने केक कटिंग की है, राहुल द्रविड़ वहां पर लगातार मौजूद हैं। कोई नहीं आ रहा, कोई आ गया, वो फोन आ गया।
खिलाड़ी जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन केक कटिंग राहुल शर्मा के द्वारा की गई। इस दौरान कोच राहुल माकरे और रोहित द्रविड़ जो है राहुल द्रविड़ मौजूद रहे, रोहित शर्मा ने केक कटिंग की है और एक एक कर तमाम खिलाड़ी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रेड कॉर्पेट बिछा हुआ है। आपको बता दें जब खिलाड़ियों ने एंटर किया आईटीसी मौर्य होटल में, रेड कॉर्पेट बिछा हुआ था, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया और अब केक कटिंग भी हो चुकी है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, जहां पर ब्रेकफास्ट भी करेंगे साथ में तमाम खिलाड़ी। चलो सर थोड़ा थोड़ा अब आगे आगे पीछे हो जाइए। देखो पीछे बहुत जगह है, पीछे बहुत जगह है, आप आगे सटिए ना बस। नहीं सर फिर होच पोच हो जाएगा, आप आगे सटिए बस, हम लोग इसके आगे थोड़ा जा रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आईटीसी मौर्य होटल की तस्वीर आप देख रहे हैं। नारे देखिए किस तरह से लग रहे हैं, विराट कोहली का नाम बार बार फैंस ले रहे हैं और फैंस भी काफी उत्साहित है। विराट कोहली भी आ चुके हैं और केक कटिंग की विराट कोहली ने तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो आईटीसी मौर्य होटल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां इस वक्त टीम इंडिया की मौजूदगी है और केक कटिंग हो चुका है, जो केक लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। जाओ जाओ जाओ, गो विद देम, गो विद देम, या या ही कैन गो। रख Keep on!
तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक एक कर तमाम जो क्रिकेटर हैं वो इस वक्त आ रहे हैं केक कटिंग के लिए। हार्दिक पांड्या केक कटिंग करके जा चुके हैं, इससे पहले विराट कोहली आए हुए थे। तो तमाम जो खिलाड़ी हैं एक एक करके आ रहे हैं केक कटिंग के लिए, और फैंस के बीच में जबरदस्त उत्साह है अपने खिलाड़ी को देखने के लिए। तमाम फैंस जो है इस वक्त मौजूद हैं, और जिसके बाद से जैसे ही वो एंटर कर रहे हैं उनके नाम के जो है नारे लग रहे हैं। ऐसे में अभी तस्वीरें आप देखिए, केक कटिंग जो हो रही है लगातार। तो अब इसके बाद पीएम मोदी से मुलाकात होगी इन सभी खिलाड़ियों की। आईटीसी मौर्या होटल में इस वक्त सभी खिलाड़ियों की मौजूदगी है। तो 11 बजे टीम इंडिया पीएम मोदी से मुलाकात करेगी, जहां पर ब्रेकफास्ट किया जाएगा, और इसके बाद शाम 6 बजे आपको बता दें कि मुंबई पहुंचना है टीम इंडिया को। तो इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आईटीसी मौर्या होटल की तस्वीरें हैं, जहां इस वक्त टीम इंडिया की मौजूदगी है। तो केक कटिंग हो चुकी है, और इस वक्त भारी भीड़ आईटीसी मौर्या होटल में है। तो रोहित